हे गाइस बैक विद सोल टूर्नामेंट एंड अपडेट वीडियो। सो ये अपट्रस्ट स्पोर्ट्स का प्रो शोडाउन का सेमीफाइनल का डे टू का मैच है। तो सेमीफाइनल के डे टू के मैच में जो कि इरेंगल का मैप था, तो इरेंगल का मैप में सोल वर्सेस टीएक्स की 4v4 फाइट होती है, जिसमें सोल ओमेगा ने ऑलमोस्ट 1v4 कर दिया टीम एक्स पार्क को, 1v3 कर दिया है, बट ऑलमोस्ट 1v4 करते करते रह जाते हैं। तो वो 1v3 आप आगे देख सकते हो। एंड अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दो, आपको ऐसे सोल का तोड़फोड़ वीडियो मिलता रहेगा। सो चैनल को सब्सक्राइब करना भूलना मत, एंड आज 40k कर दो कैसे भी। एंड अगर आपको फुल मैच देखना है तो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां से जाके चेकआउट कर सकते हो। तो अब चलते हैं 1v3 के तरफ। सोल को देखिए, वो यहाँ पर हमें करीब नजर आ रहे हैं और उनकी अब जो फाइट है वो टीम एक्स पार्क के अगेंस्ट होने वाली है। अक्षत पहुंच चुके हैं, कवर रहेगा उनके पास रिजिस का, बट वो रिजिस का कवर इनफ नहीं देखने को मिला। अमित यहाँ पर कोशिश कर रहे हैं लगातार कनेक्शन ढूंढने की, क्या वो कनेक्शन बना पाएंगे ओमेगा के द्वारा। यहाँ पर सैयद ओबी को डाउन किया जा चुका है टीम एक्स पार्क के, 420 ओबी डाउन, हेक्टर को भी नॉक कर दिया गया है। अमित और ओमेगा आखिरी दो प्लेयर, मोवी भी टेक डाउन किए जा चुके हैं ओमेगा के द्वारा। एक आखिरी सर्वाइविंग प्लेयर बचेंगे और वो कौन रहने वाले हैं, वो है स्काउट ओबी। स्काउट मोवी को रिवाइवल देते हुए दूसरी तरफ ओमेगा यहाँ पर कोशिश कर रहे हैं कि अक्षत को रिवाइवल दे पाए, क्योंकि हेक्टर अभी फिलहाल काफी ज्यादा दूर है, उन्हें रिवाइव देने में थोड़ी कठिनाइयां हो सकती हैं। तो पहले अपने बाकी प्लेयर्स को रिवाइव दिया जाएगा अमित के द्वारा, सैयद ओपी को फिनिश किया गया, मोवी और स्काउट ओपी क्या फॉल बैक करेंगे या फिर एक 2v4 की फाइट लेंगे। यहाँ से फॉल बैक करना बहुत ज्यादा मुश्किल हो सकता है, बट टीम सोल अभी पूरी तैयारी से आया है। जोकर वहां पे एमजे को डाउन करेंगे, स्काउट यहाँ पे अक्षत को डाउन करते हुए नजर आएंगे, स्काउट को स्पॉट किया जाएगा, ओमेगा को आगे बढ़ना पड़ेगा, स्काउट के रैंडम शॉट जा रहे हैं, ड्रीम्स यहाँ पे जोकर को नॉकआउट करेंगे, स्काउट यहाँ पे डाउन करेंगे ओमेगा के द्वारा, मोवी विल बी द लास्ट सर्वाइवर, बट अक्षत को फिनिश ऑफ शायद से कर सकता है, अमित रैंडम स्पेस लेंगे, बट मोवी को हेक्टर फिनिश ऑफ करेंगे, इसके साथ सदक्षत को रिवाइवल शायद से मिल जाएगा, बट थोड़ा जल्दी जाना पड़ेगा। ओमेगा आईजीएल का एक कंप्लीट एग्जाम्पल, एक परफेक्ट में जब आप चारों प्लेयर्स के साथ जीवित हैं तो आप क्या करते हैं। यहां से हेक्टर का एक ग्रेनेड गया है, एक प्री ग्रेनेड के साथ वो तैयार थे कि जैसे ही एक स्लैमिन आएगा, जैसे ही व्हीकल के साथ प्लेयर्स आगे पुशन करेंगे तो वो ग्रेनेड के साथ डैमेज करेंगे और कामयाबी उन्हें मिली है। डेडपूल की पोजीशन का अंदाजा था उन्हें, बट उसके बावजूद प्रॉपर कनेक्शन नहीं निकाल पाए, बट हेक्टर के ऊपर जब ग्रेनेड आता है थोड़ा बहुत चिप डैमेज उन्हें जरूर से मिलता है। हेक्टर भी एक ग्रेनेड का इस्तेमाल करेंगे, कुछ खासा फायदा नहीं होगा, बट अक्षत दूसरे छोर से अब क्या कवर फायर दे सकते हैं, क्या किया जा सकता है, बट इस विंडो के थ्रू यहां दो प्लेयर्स को डाउन किया है, ये उम्मीद नहीं थी। हेक्टर ने एक लाजवाब आईक्यू गेम यहां पर खेला, एक लाजवाब आईक्यू ग्रेनेड उनकी तरफ से देखने को मिला है, और इस समय का इस्तेमाल ये अपने नॉक प्लेयर को रिवाइव करने के लिए दे सकते हैं, और ये बहुत बेहतर मूव रहेगा। जब तक सामने वाली टीम रिवाइवल दे रही है तब तक ये भी रिवाइवल पर काम कर रहे हैं, और एक 2v4 की फाइट हमें कुछ देर और चलती हुई देखने को मिल सकती है, बट डेडपूल हो सकता है जल्दी आगे बढ़कर आए। चांसेस बहुत ज्यादा हाई है, बट हेक्टर एंड अक्षर दोनों प्लेयर्स के ऊपर कैपेबिलिटी बहुत ज्यादा है, दोनों प्लेयर्स को रिवाइवल भी दे दिया गया, बहुत जल्दी यहाँ पर रिवाइव दे दिया गया, बट डेडपूल ओ माय गॉड, हेक्टर उनको मालूम नहीं है, ये उनके लिए सरप्राइज था, हेक्टर को इस बार पूरा पनिश किया जाएगा। ब्लाइंड के डेडपूल ऑलरेडी वो एंगल होल्ड कर चुके हैं, अक्षर आखिरी प्लेयर फिलहाल के लिए रहने वाला है, दिस इज नॉट गोइंग टू हैपन वेरी इजी वे, बट इसी के साथ साथ टीम सोल को इस मैच से। तो कैसा लगा आपको सोल ओमेगा के ये 1v3 टीम एक्स पार्क, मुझे कमेंट करके बताना। तो बस आज के वीडियो को बस इतना ही, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में सोल के अपडेट एंड दोलफोड के साथ, तब तक के लिए वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, कीप प्लेइंग कीप सपोर्टिंग, बाय।